What's going on, guys? This is Pro Tips with 8-Bit Thug. तो बेसिकली स्ट्रीमिंग हम लोग जब करते हैं, मैं जो आप लोग मुझे जानते हो, मैं गेम स्ट्रीम करता हूं, तो मैं उसमें क्या करना चाहता हूं कि मैं एक गेम खेल रहा हूं एंड मैं अपने व्यूअर्स को अपना गेम प्ले दिखाना चाहता हूं। ये इंडिया में फिलहाल बहुत रिसेंटली पॉपुलर है, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये काफ़ी टाइम से पॉपुलर रहा हुआ है। तो इसमें आप लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरा गेम प्ले को मे बी अप्रिशिएट करते हैं और मे बी उन लोग मेरे पर्सनैलिटी को अप्रिशिएट करते हैं, तो या तो वो मुझे देखना चाहते हैं या मेरा गेम को देखना चाहते हैं। सो स्ट्रीमिंग इन गेमिंग इज़ वॉट आई डू प्रोफेशनल and it's more about you know showing who I am as a person, what do I do as a gamer and what game I play and how I play my game. The first thing would be to choose कि आपको कौन सा गेम खेलना है, बिकॉज यू नीड टू एन्जॉय द गेम। आप एक गेम को 8 घंटे हज़ारों लोगों के सामने आप खेलोगे, हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं, यू आर अर्निंग बिकॉज ऑफ दैट थिंग, पीपल आर गिविंग यू डोनेशंस, सो यू नीड टू एन्जॉय दैट गेम सो दैट यू कैन मेक इट एन एंटरटेनिंग फैक्टर फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग यू, बिकॉज अल्टीमेटली स्ट्रीमिंग इज अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। लोग आपके सिर्फ गेम को देखने के लिए नहीं आते, आपको भी लाइक आप जो वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करते हो उसको भी लोग लाइक, इट्स अ वेरी वाइटल पॉइंट व्हाई पीपल वॉच यू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो गेम चूज कर रहे हो इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड यू एन्जॉय प्लेइंग इट। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है डिसाइडिंग ऑन विच प्लेटफॉर्म यू वॉन्ट टू स्ट्रीम, कौन से प्लेटफॉर्म में आपका सबसे वाइड ऑडियंस रीच होगा। मे बी इन इंडिया इट कुड बी यूट्यूब, आई थिंक इंडिया में यूट्यूब बहुत ज़्यादा है, बट इफ यू टॉक अबाउट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इट कुड बी फेसबुक, बिकॉज वहाँ पे इतना यूट्यूब नहीं चलता, और इफ यू टॉक अबाउट चाइना दे हैव देयर ओन लोकल प्लेटफॉर्म्स। सो उसके लिए यू नीड टू डिसाइड कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करोगे। आपके पास ऑप्शन रहता है यूट्यूब, फेसबुक गेमिंग और मे बी ऑमलेट आर्केड एज वेल। एंड गाइज इसके बाद आपका नेक्स्ट फैक्टर इज द लैंग्वेज। इंडिया इज़ अ लाइक इट्स सो डाइवर्सिफाइड, आपको आपका लैंग्वेज चूज करना होगा कि आप कौन सा लैंग्वेज में आप ऑडियंस को एड्रेस करना चाहते हो। इफ़ यू थिंक आपके पास बहुत ज़्यादा लोकल सपोर्ट है देन यू शुड डेफिनेटली ऑफ फॉर रीजनल लैंग्वेज, बिकॉज दैट इज समथिंग सो मतलब बहुत कम स्ट्रीमर्स करते हैं, मतलब आपको उसके लिए यू नीड टू हैव द गट्स टू डू, बट इफ़ यू डू दैट्स फैंटास्टिक, और एल्स यू कैन चूज द यू नो द मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस विच कुड बी हिंदी और इंग्लिश। सो गाइज दिस आर द थिंग्स जो आपको इनिशियली आपको मतलब दिस इज द फर्स्ट थिंग्स यू नीड टू थिंक अबाउट, बट उसके बाद आप ये जब डिसाइड कर लेते हैं देन विल गो टू द टेक्निकल पार्ट। मैं एक मोबाइल गेमर हूँ, तो मैं यहाँ पे बात करूँगा अपने सेटअप के लिए कि मैं जो स्ट्रीम करता हूँ मैं कैसे स्ट्रीम करता हूँ, मैं क्या इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। सो बेसिकली मेरा सेटअप आप कह सकते हो कि इट्स द प्रोफेशनल सेटअप, जो प्रोफेशनल स्ट्रीमर जो सेटअप यूज़ करते हैं मैं वही सेटअप यूज़ करता हूँ। सो फर्स्ट चीज़ जो मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बेसिक चीज़ है, दैट इज़ द डिवाइस दैट आई एम प्लेइंग द गेम ऑन। सो मैं आईपैड पे भी खेलता हूँ, मैं मोबाइल फोन्स पे भी खेलता हूँ। सो आई वॉक यू गाइस थ्रू द आईपैड सेटअप। तो ये मेरा एक आईपैड रहता है जिसपे मैं एक डिवाइस कनेक्ट करता हूँ जिसको हम कहते हैं HDMI कन्वर्टर, वो आपको एप्पल के किसी भी स्टोर में मिल जाता है। ये हो गया मेरा डिवाइस जो मैं आपको बता दिया कि मैं गेमिंग डिवाइस में मैं क्या कनेक्ट करता हूँ। अब गोइंग थ्रू द अदर पार्ट्स, मेरा यहाँ पे एक PC है विच नीड्स टू बी यू नो अ लिटिल बिट लाइक गेमिंग PC होना पड़ेगा। यू नीड्स इट कांट बी अ लो एंड PC, इट हैज़ टू बी अ मिड रेंज PC। लाइक यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका एक अच्छा स्ट्रीमिंग PC कुछ करीबन इंडिया में 80-90 हज़ार में एक मिनिमम में आपका आ जाना चाहिए अगर आप PC बना रहे हो तो। आपको गेमिंग PC इसलिए चाहिए बिकॉज ऑफ द वेरी स्पेसिफिकेशंस कि आपका ग्राफिक्स कार्ड अच्छा होना चाहिए, आपका रैम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे जिसका मैं आपको आगे बताऊंगा एंड आप जो डिवाइसेस कनेक्ट करोगे वो बहुत कंज्यूम करते हैं पावर। सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर गेमिंग सेटअप, लाइक एक लो एंड PC या लो एंड लैपटॉप में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाएगा। सो मैं बात करता हूँ अपने सेटअप का, यहाँ पे मेरा मैं एक लैपटॉप यूज़ करता हूँ एंड आई हैव अ PC एज वेल, बट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई यूज़ माई गेमिंग लैपटॉप, बट जनरली जब मैं घर से स्ट्रीम कर रहा हूँ तो इट्स अ प्रॉपर PC सेटअप। तो मेरा यहाँ पे एक PC है एंड मेरा मैं डुअल मॉनिटर सेटअप यूज़ करता हूँ, दो मॉनिटर लगे हुए रहते हैं एक साथ। सो मैं एक मॉनिटर में यूट्यूब का अपना स्ट्रीम खोल के रखता हूँ, एक में मैं अपना बाकी काम जब स्ट्रीम कर रहा हूँ तो मैं बाकी काम हैंडल कर पाता हूँ। इसके अलावा आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक अच्छा कंफर्टेबल गेमिंग माउस और कीबोर्ड ही लो, डोंट गो फॉर द कन्वेंशनल जो आप ऑफिस में यूज़ करते हैं हम लोग क्लेरिकल पर्पज़ के लिए, वो मत यूज़ कीजिए, बिकॉज आप एक बार जब गेमिंग माउस या गेमिंग कीबोर्ड यूज़ करोगे आप रियलाइज करोगे कि इट्स वेरी कंफर्टेबल, लाइक इट्स सुपर स्मूथ। तो आपको लाइक होता है ना, आप स्ट्रीम कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं हो सकता ऑडियंस को बोलो भाई 5 मिनट रुको मुझे कुछ टाइप करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू सेंड आउट कमांड्स इट हैज़ टू बी सुपर स्विफ्ट। तो ये एक हो गया आपका बेसिक पार्ट। नाउ विल मूव टू द मोर यू नो जो बहुत ही स्ट्रीमिंग स्पेसिफिक है। सो बेसिकली यू नीड अ फेस कैम विच इज़ वेरी ऑप्शनल,
अगर आप चाहते हो कि आप दुनिया के सामने आप खुद को फेस कैम दिखाओ, आप दिखाओ कि आप लाइक अपने एक्सप्रेशंस के साथ आप प्रेजेंट करो खुद को, देन यू नीड अ फेस कैम. आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहता है. यू कैन गो फॉर अ फेस कैम विच इज़ एज चीप एज 3,000, और मे बी यू कैन गो फॉर अ फेस कैम विच इज़ एज एक्सपेंसिव एज 25,000, विच इज़ द लॉजिटेक ब्रायो. एंड अगर आपके पास लाइक इफ़ यू आर वेरी हाई बजट, देन यू कैन ऑब्वियसली यूज़ अ DSLR एज वेल. लाइक आप कितनी भी महंगी DSLR को यूज़ कर सकते हो. इसके बाद गाइज यू नीड अ माइक, ठीक है. इसके बाद आपका दो ऑप्शन है बेसिकली आपके वॉइस को ऑडियंस को पहुंचाने के लिए. आप अपना जो हेडफोन यूज़ कर सकते हो आप उसका माइक यूज़ कर लो, बट देन दैट यू नो इट्स नॉट रियली हाई क्वालिटी. आई वुड सजेस्ट यू नो यूजिंग अ सेपरेट माइक, जिसमें मैं यहाँ पे येटी माइक यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ यू नो वन ऑफ द सेमी प्रोफेशनल माइक, बट वो बहुत अच्छी क्वालिटी है. लाइक यू नो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रीमर्स यूज दैट इन इंडिया स्पेशली. इसके बाद गाइज अब हम लोग को एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग जब इस चीज़ को हम लोग जब स्ट्रीम कर रहे हैं अपने, मेरे गेम को मैं आईपैड से स्ट्रीम करना चाह रहा हूँ, तो एक चीज़ होता है लेटेंसी बोल के. लेटेंसी बेसिकली क्या हुआ कि मैं जब खेल रहा हूँ मुझे जो दिख रहा है वो आप लोग को कितने डिले से दिख रहा है. लाइक मैं यहाँ पे एक गोली चलाया तो हो सकता है वो आप लोग को 4 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है. तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं. ये अगर किसी के पास भाई मतलब अगर आपको स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है पीसी से, बट देन यू वांट टू ग्रेजुअली अपग्रेड, तो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, एयर सर्वर यूज़ कर सकते हो. आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप सिंपली ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप वो 4 सेकंड का डिले या 5 सेकंड का डिले या मे बी 10 सेकंड का डिले एनेबल करके ही आप वो स्ट्रीम कर पाओगे. आपका स्ट्रीम में लेटेंसी रहेगा. बट देन इफ़ यू डोंट वॉन्ट कि आपको चाहिए एकदम रियल टाइम, मतलब एकदम हाई क्वालिटी टॉप नॉच फ्लॉलेस स्ट्रीम चाहिए, तब आपको एक स्पेंड करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली 25,000 फॉर अ डिवाइस कॉल एलगाटो HD60S. HD60S इज़ द मॉडल, इज बेसिकली एलगाटो स्ट्रीम कैप्चर जो उस डिवाइस का नाम है. तो एलगाटो स्क्रीन कैप्चर आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एलगाटो स्क्रीन कैप्चर क्या होता है. ये एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस है. इसके एक एंड में मेरा जो आईपैड से जो वायर आता है HDMI केबल वो लग जाता है, एक एंड मेरा CPU से कनेक्टेड है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे इसमें यहाँ पे आपको एक 3.5mm जैक का स्पेस दिख रहा है, जिसमें वायर ऑलरेडी इनपुट किया हुआ है. वो हो गया जो मैं हेडफोन पहन के रखा हूँ उसमें मेरा गेम साउंड लाने के लिए. सो बेसिकली अब जो गेम साउंड है वो मेरे डिवाइस से नहीं आता, वो इस एलगाटो के थ्रू मुझे आता है. एंड सिमिलरली यही एलगाटो उसको मेरे PC पे स्ट्रीम फॉरवर्ड करता है, जिससे वो आपको सुनाई दे रहे हैं. एंड गाइज ऑल्सो अगर आप यू नो अगर आप चाहते हो कि आपके स्ट्रीम में यू नो लाइटिंग करना चाहते हो आप, तो बेसिकली यू कैन गो फॉर स्टूडियो लाइट्स. में एक नया डिवाइस आया एलगाटो की लाइट बोल के, आप उसको यूज कर सकते हो. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स यू नो लाइक कम्फर्ट. अगर हम लोग कम्फर्ट फैक्टर की बात करें तो बेसिकली दिस गेमिंग चेयर जिसमें मैं बैठ रहा हूँ, ये मैं 8-8 घंटे 7-7 घंटे कंटिन्यूस नॉन स्टॉप स्ट्रीम करता हूँ. तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एज वेल, बिकॉज इट्स सिटिंग एट वन प्लेस. आपको बैक पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो इफ यू आर विलिंग टू स्पेंड देन you should definitely go for a gaming chair, because the comfort that it provides is a lot. But then ye thoda luxury factor ho gaya, you can even ignore that. But then aapko professional setup ke liye the camera, the mic, the device and the PC and a high end PC and definitely the Elgato, ye bahut hi important cheez hai. Other thing, ek luxury ka bahut hi unique cheez hai jo kafi log jante hi nahi hai, that is a stream deck. आप स्क्रीन में देख सकते हो ये एक टू डिवाइस है, इसमें 15 बटन है. तो क्या होता है कि मैं अपने स्ट्रीम में फॉर एग्जांपल मेरा गेम चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि फटाक से कोई एक ऐड आए, तो वो ऐड के लिए मैं अगर नॉर्मली करूँगा तो मैं जाके मुझे बटन क्लिक करना पड़ेगा, माउस कीबोर्ड यूज़ करना पड़ेगा. बट इसमें 15 बटन है, मैं प्री डिज़ाइन एक बटन क्लिक करूँगा वो ऐड प्ले हो जाएगा. सो बेसिकली दिस इज अ स्ट्रीम डेक विच इज अनदर डिवाइस बाय एलगाटो. बट ये लग्जरी पार्ट ऑफ चीज़ है. लाइक ये लग्जरी हो गया, चेयर लग्जरी हो गया, एंड द लाइट्स आर पार्ट ऑफ लग्जरी विच इज़ नॉट रियली नेसेसरी. We'll start with the most important software that we require, which is the OBS, which is the Open Broadcasting Software. Basically, 2-3 options are aapke paas. Ek to normal OBS, the conventional one. There is the XSplit Gamer and the XSplit Caster, sorry. And also you have the Streamlabs OBS. I think best for me is the Streamlabs OBS, because wo kafi integrated hai. Aapke YouTube, Twitch se bahut acha integration hai. It's very, you know, bahut unko bahut acha se develop kiya gaya. Like OBS jo original OBS hai, wo bahut basic version hai. Streamlabs OBS kafi high end hai. Matlab unko bahut acha se integrate kiya hai. There are lot of different features. So I would always prefer Streamlabs, and I would also suggest you Streamlabs OBS. इसके बाद guys, आप Twitch में stream कर रहे हो, YouTube पे stream कर रहे हो, या आप Omni Target पे stream कर रहे हो, एक चीज़ होता है stream key बोल के. तो stream key आपका channel का unique होता है. आपको वो स्ट्रीम की आप जब अपने YouTube में माई चैनल में जाके आप लॉगिन करोगे, आपको वो स्ट्रीम के नीचे मिल जाएगा. दैट इज़ योर यूनिक आईडी, जो आप विच इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल, आप उसको कभी शेयर नहीं कर सकते हो. आपको उसको सिंपली कॉपी पेस्ट करके OBS में सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा स्ट्रीम आउटपुट बोल के. वहाँ जाके आप उसको पेस्ट कीजिए एंड यू आर डन. उसके बाद आप जैसे ही अपने OBS में गो लाइव दबाओगे, कंटेंट स्टार्ट्स गोइंग अक्रॉस ऑन YouTube, आपके व्यूअर्स को आपका कंटेंट पूरा दिखने लग जाता है. सो गाइज दिस इज बेसिक. आई थिंक मैंने सब कुछ कवर किया है आपको यहाँ पे समझाने में.
आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग कि हाउ यू नीड टू डू अ प्रोफेशनल स्ट्रीम. लाइक प्रोफेशनली अगर आप स्ट्रीम करना चाहते हो, यू वांट टू हैव द टॉप नॉच क्वालिटी, दिस आर द थिंग्स दैट यू रिक्वायर. एंड आई थिंक दिस आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस. आपको और कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. आई होप यू फाउंड द टिप्स एंड ट्रिक्स आई जस्ट शेयर्ड अबाउट स्ट्रीमिंग यूजफुल. एंड आई डेफिनेटली वांट टू सी यू गाइज ऑन बोर्ड ऑन यूट्यूब और फेसबुक समडे. आई होप यू गाइज एंजॉय स्ट्रीमिंग. मैं आपको बताया था कि आप गेम प्ले कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो जो विजुअल्स है हमारे, तो उसके लिए गाइस बहुत सारे रिकॉर्डिंग एप्स अवेलेबल है. आप फिर से ऑमनेट आर्केड का आप यूज़ कर सकते हैं. ऑमनेट आर्केड में रिकॉर्ड का ऑप्शन है. ऑमनेट आर्केड आप डाउनलोड कीजिए, एक अपना आईडी बनाइए और आप रिकॉर्ड बटन प्रेस कीजिए. एंड फिर उसके बाद आपके स्क्रीन में जो भी हो रही है डिवाइस में वो सब कुछ रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा.